हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि जब बाबर मरा तो अपने बाप को ही कोसता था, कहता था कि मेरे ऊपर इतनी कठिनाइयाँ लाद के चला गया मेरे पिताश्री कि मैं उस कठिनाइयों से ही हमेशा जूझता रहा। और बात यह है कि जब बाबर आपका यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना करता है तो उसकी भी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है, क्योंकि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लग जाता है। कभी इधर की लड़ाई, कभी पानीपत, कभी खानवा, कभी चंदेरी, कभी आपका घाघर, ये पूरे लड़ाई में उसकी ज़िंदगी बीत जाए। वैसे मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया कैसे वो हर एक 26 में लड़ा, फिर 27 में फिर लड़ा, फिर 28 में लड़ा, फिर 29 में लड़ा और 30 में टपक गया। ठीक, तो पूरी ज़िंदगी लड़ाई में लड़ने में ही बिता दिया अपने साम्राज्य को। ठीक है, जड़ें उसकी मजबूत नहीं कर पाया, जिसकी समस्या जिस किसको हुई, हुमायूं को हुई। तो उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या समस्या हुमायूं को हुई अपने राज्य को संचालन करने में। पहली समस्या ये हुई, मैं ये फिगर दिखा दे रहा हूँ, कि जब उसके पिताश्री मरे थे तो कह के गए थे भैया अकेले जो है अपना राजपाट न खा लेना, अपने भाइयों में भी कुछ दे देना। तो पहली समस्या तो यहीं खड़ी हो गई कि अपने पिताश्री के अनुसार अपने राज्य को अपने भाइयों में उसे बांटना पड़ा। ठीक है, अब उसमें भी ये था कि जब इसे राजगद्दी पर बैठना था, जिस समय बाबर जिंदा था उस समय उनके मंत्री निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा नाम था उनका, उन्होंने बाबर से प्रस्ताव रखा था कि जो आपके ये हुमायूं बेटे हैं इनके अंदर काबिलियत नहीं है दिल्ली की सत्ता पर बैठने की, इसलिए आप अपने बहनोई को जो मेहंदी ख्वाजा नाम था उनका, उन्हें बैठा दीजिए गद्दी पर। अब हुमायूं को ये बात पता चल गई तो उनको मंत्री को बोल दिया कि देखो बेटा बनेंगे तो हम ही सुल्तान, ठीक, अगर तुम 3-5 जो भी किए तो गला रितवा देंगे तुम्हारा। अब वो डर गया, उसके बाद से ये भी हुमायूं के सपोर्ट में आ गया, बाबर से बोला नहीं 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 वो बहुत गुणवान है, उन्हीं को आप बना दीजिए। तो मात्र बाबर के मरने के 4 दिन बाद 26 दिसंबर 1529 में, और उसी 1930 में मरा। ठीक है, 4 दिन बाद इसका राज्याभिषेक होता है दिल्ली पर और इसे गद्दी जो है दिल्ली की दे दी जाती है। अब ये दिल्ली पर गद्दी पर बैठते ही मैंने बताया ना, कहा कि मुझे मुसीबतों के जो है झेलना पड़ा था, कठिनाइयां झेलना पड़ा था। तो उसमें कठिनाइयां क्या थी, पहली कठिनाई ये थी कि अपने राज्य का बंटवारा करना, अपना जो भी संपत्ति था अपने चारों भाइयों में बांटना। दूसरी कठिनाई ये थी कि जो इनके मिर्जा वर्ग के लोग थे जो बाबर के साथ आए थे, चगताई वंश के जो लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो धनी लोग थे, वो अपना अपना राज्य लेकर अपने में मस्त हो गए। ठीक, फिर उसके बाद से जो अफगानी थे जो बहुत पहले से लोधी वंश के समय से इंडिया में बस गए थे और वो चाहते थे कि यहाँ से हिंदुस्तान से मुगलों को हटा दिया जाए और फिर से हम लोग राज करें, उनका अटैक ये सामना करना पड़ा। और एक तो इनका राज इतना बड़ा हो गया था, विस्तृत हो गया था और उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी, तो अव्यवस्था फैल गई थी, ये सब कठिनाइयाँ उसे सामना करना पड़ता है और एक एक करके हम देखेंगे। तो हुआ यूँ कि ये जब गद्दी पर बैठा तो अपने चारों भाई जिनका नाम था कमरान, एक का नाम था, तो कमरान जैसे नाम है वैसे उसे क वाले देश दे दिया, कंधार को दे दिया और काबुल को दे दिया। ये फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो राज कर रहा था वो कमरान था जो काबुल पे और कंधार पे राज कर रहा था। ठीक, और दूसरा हिस्सा अपने राज्य का जो सांबल था इसे किसके दिया, अस्कर को दिया। ठीक है, अस्कर उसका जो भाई था अस्कर मिर्जा उसे दे दिया। उसके बाद से अलवर पे जो है, देखो अस्करी को दिया और अलवर हिंदाल को अलवर दे दिया। उसके बाद से जो बचा आपका उसका चचेरा भाई अपने खुद दिल्ली पे रह गया और हिंदाल को अलवर दे दिया। उसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसे बदखसा दिया। ये बदखसा कहाँ है, ये बदखसा भी आपका अफगानिस्तान में है, इसे देख लो, देखो ये रहा अफगानिस्तान का बदखसा जगह है। इसे कौन था, इसका चचेरा भाई था, किसका, आपका हुमायूं का चचेरा भाई था, वो वहां पे रह गया और यहाँ पे अलवर में हिंदाल रह गया, यहाँ पे अस्करी रह गया, अस्करी मिर्जा या अस्कर मिर्जा बोलते थे, और यहाँ पे आपका कमरान हो गया कहाँ, काबुल और कंधार में। तो इन सब में अपने राज्य को ये बांट दिया। आगे बढ़ते हैं,
और इसके बारे में देख लेते हैं कि अपने जो भी इसके समस्या पड़ी थी तो वो कैसे इन समस्या से निपटा था। इसे काफी युद्ध लड़ना पड़ा था। तो पहला जी जैसे ही अपने गद्दी पर बैठता है 30 में और 31 के ही आसपास क्या होता है, पहले तो सबसे गंभीर जो समस्या थी इसकी वो अफगानों से थी, बाकी तो घर परिवार से सब लोग लड़ते रहते हैं तो उतनी समस्या नहीं थी। सबसे ज्यादा समस्या थी बाहरी लोगों से, जैसे अफगानी थे, वो चाहते थे कि जो आपका ये पूरा का पूरा मुगल वंश है इन्हें हटा दिया जाए दिल्ली से। तो उसी क्रम में बहादुर शाह और शेर खां, नाम सुने होंगे, वही शेर खां जाके शेर शाह सूरी बनता है जो बहुत तंग करता है हुमायूं को, ठीक है, इससे एकदम हमेशा भागते फिरते हैं हुमायूं। तो बहादुर शाह जो आपका गुजरात का रूलर था और यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश में कलिंजर जो जगह है यहाँ पे शासक था कौन, आपका प्रताप रुद्रदेव थे, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव ने बहादुर शाह को काफ़ी, मतलब इनका अफगानों से काफ़ी बनता था और बहादुर शाह का शेर खां से बनता था, मतलब पूरे अफगानी एक तरफ थे और मुगल एक तरफ थे और साथ में ये जो और जो प्रांत के राजाएं थे वो भी अफगान को सपोर्ट करते थे। इस समय क्या हुआ कि आपके जो कलिंजर ये जो फोर्ट है, यहाँ के जो आपके राजा थे रुद्रदेव, वो आपके कंपी एक जगह है उत्तर प्रदेश में और मालवा पे अधिकार करना चाहते थे, अपनी सेना लेकर आगे बढ़े। जब ये बात हुमायूं को पता चली दिल्ली से तो उन्होंने कहा कि अगर कंपी और मालवा पे अधिकार हो गया, ठीक है, रुद्रदेव का, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहादुर शाह की शक्ति बढ़ जाएगी क्योंकि उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, ठीक। इस वजह से क्या किया हुमायूं ने, अपनी सेना लेकर 1531 में 1531 में कलिंजर फोर्ट पर अटैक किया, ठीक है। अब अटैक किया, अब ये फोर्ट को जीतना बहुत मुश्किल था, इतिहास में इस फोर्ट के लिए काफी लड़ाइयां हुई। अब मुश्किल, ये काफी ऊंचे पहाड़ियों पर यह दुर्ग था, इसे जीतना मुश्किल था। तो फिर इन दोनों के बीच में, रुद्रदेव के बीच में, प्रताप रुद्रदेव के बीच में और हुमायूं के बीच में संधि हुई, जो पैसा गया, जो सैनिक गए तो गए, क्योंकि उसी समय जब बहादुर शाह का ये तो पता ही था कि बहादुर शाह भी इसी में लड़ेगा, इनके साथ ही था, उसी समय यहाँ पे जो आपके बिहार और बंगाल के जो अफगानी थे, जिसमें एक बिहार के थे महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी के भाई थे, वो यहाँ से भागते हुए अपनी सेना लेके आए, भैया चलो हम बहादुर शाह की मदद करेंगे, हम उन्हें हारने नहीं देंगे, अफगान की बात है, हम अफगानियों को हारने नहीं देंगे। उसी में शेर खां भी आया और शेर खां इतना चालाक था कि उस समय शेर खां आते ही चुनार एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे जीत हासिल किया और वहीं पे अपना किला बना के रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि जानता था कि मुगल से अभी हम लड़ने लायक नहीं है। मगर महमूद लोदी, अपने भाई का जो है बदला लेना था उसे, इब्राहिम लोदी का, वो एकदम आगे तोड़ता हुआ जौनपुर तक पहुंच गया और इसी केस में हुमायूं देखा कि भैया इब्राहिम का भाई जो है महमूद लोदी जौनपुर के आसपास आ गया है, अब मुझे इस कलिंजर को छोड़ के पहले अपना वो देखना पड़ेगा, नहीं तो वो दिल्ली के आसपास पहुंच जाएगा। तो इस वजह से यहाँ कलिंजर में संधि करता है और तुरंत वहाँ भाग वापस जाता है जौनपुर की साइड। जैसे जाता है तो दोहरिया एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उस दोहरिया जगह में दोनों मिलते हैं और युद्ध होता है काफ़ी उनके बीच में और वहाँ महमूद लोदी जो है हार जाता है, ठीक। और यहाँ इससे जो शेर खां था ये अपना बहुत खुश होता है कि ठीक किए कि हम नहीं गए, पता चले हमें भी दिक्कत हो जाती। मगर हुमायूं को पता चल जाता है कि शेर खां भी बिहार, आपका बंगाल बिहार छोड़ के यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी नींव जमा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी भी नज़र कहाँ है, दिल्ली की तरफ है। तो अब ये दोहरिया से हुमायूं जो है तुरंत कहाँ बढ़ जाता है, दोहरिया से चुनार की तरफ बढ़ जाता है और इस चुनार पे, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इसे, इस चुनार पे किले का घेरा डालता है। अब ये भी जीतना हुमायूं के लिए मुश्किल था काफ़ी, क्योंकि यहाँ भी शेर खां के जो सैनिक, अफगान सैनिक काफ़ी मात्रा में तैनात थे। फिर बाद में दोनों को महसूस होता है, कई महीने तक घेराबंदी रही रहती है, फिर बाद में दोनों को महसूस होता है और दोनों लोग अपने में संधि कर लेते हैं और शेर खां कहता है ठीक है हम आपको पेंशन के तौर पर पैसा भेजते रहेंगे, और उसी के साथ साथ अपने बेटे कुतुबू खां को जो है क्या करता है ये इनके साथ है। उसके बाद से अब ये निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंत होने के बाद यहाँ से आपका 32 में यहाँ पे आक्रमण होता है, 31 पे कलिंजर पे होता है और दोहरिया में 32 पे आक्रमण करता है 1532 में, जहाँ महमूद लोदी को पहला अफगान युद्ध होता है, हार जाता है। फिर
32 में ही चुनार पर घेरा डालता है, शेर खां इससे संधि होता है और उसके बाद से ये निश्चिंत रूप से फिर आगरा चला आता है। आपका दिल्ली यहाँ है, यहीं आगरा चला आता है और यहीं पे अपना जो भी धन दौलत ये पाया रहता है इतनी जगहों से, वो क्या करता है उसका यूज करके ये दीने पना लाइब्रेरी जो बोलते हैं पुस्तकालय का निर्माण करता है, जिसका जिसमें बाद में चल के इसी का मौत का कारण ये जो लाइब्रेरी है बन जाती है इसकी, ठीक है। और यहाँ इतिहासकार इसे गलत समझाते हैं कि अगर ये अपने जो पैसे का उपयोग सही ढंग से किया होता, सैनिकों पर खर्च किया होता, तो ये जो बहादुर शाह था आपका गुजरात का रूलर था, उसे रोकने में ठीक है किया होता, तो काश इतिहास में इसका जो है वर्णन किसी और तरीके से होता, ठीक है। अब वो नहीं करता, 2 साल एकदम निश्चिंत होता। उस 2 सालों में जो ये बहादुर शाह था ये क्या करता है अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगता है। अब ये क्या करता है कि गुजरात से ठीक है अब आपका निकलता है और मालवा पे अटैक करता है और मालवा को अपने अधिकार में कर लेता है। कब? 31 में ही, 1531 में मालवा पर अटैक करके अपने अधिकार में कर लेता है। फिर 31 के बाद फिर 32 पे आता है और 32 पे आपका फिर से ये जो है एक जो है किला था मध्य प्रदेश में रायसील का किला, उस पर अधिकार कर लेता है। अब हुमायूं को भाई खटकने लगती है, अब ये धीरे धीरे अपना जो है विस्तार कर रहा है शक्तियों का, और जैसे रायसील को जीतता है, अब ये रायसील और रायसील आपको दोनों मिलेगा ठीक है। जीतने के बाद आपका ये 34 में उसे जीतता है, उसके बाद आगे बढ़ता है चित्तौड़ की तरफ, ये राजस्थान की तरफ रुख करता है चित्तौड़ में, जहां राणा संग्राम सिंह का राज्य था वहां जाता है। राणा संग्राम सिंह तो रहते नहीं है अब, उनका पुत्र जो है विक्रमा है ठीक है, विक्रमाजीत, आदित्य नहीं विक्रमाजीत नाम था, वो रहता है। और उसकी माँ जो है, क्योंकि वो बहुत छोटा रहता है तो उसकी माँ के हाथों में जो है देखभाल रहता है सत्ता की, तो वो उनकी जो माँ होती हैं वो हुमायूं से जो है सहायता मांगती हैं कि भैया ये बहादुर शाह हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा है, हमारे पास इतनी सेना नहीं है, तो आप हमें बचाइए ठीक है। तो वो अपने राखी भेजकर, एक तरह से बोलते हो राखी भेजकर, चित्तौड़ की जो राजमाता होती हैं हुमायूं से सहायता मांगती हैं, मगर हुमायूं सहायता करने के लिए दिल्ली से निकल जाता है चित्तौड़ की ओर। उसी समय बहादुर शाह हुमायूं को संदेश भिजवाता है कि भैया हुमायूं अभी मेरे रास्ते में मत आयो, मैं अभी अपने धर्म प्रचार के लिए जिहाद के लिए निकला हूँ ठीक है। तो धर्म की बात सुनकर हुमायूं भी जो है क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे रफ्तार से चित्तौड़ की तरफ बढ़ता है, और उसी रफ्तार में सोचता है कि पहले मैं अपने सैनिकों को इकट्ठा कर लूँ और जो अफगान के विरोधी हैं उनको भी इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद से इकट्ठा सब हो जाएंगे, तब एक बार अटैक करेंगे बहादुर शाह पे और उसे हरा देंगे। उसी क्षेत्र में क्या होता है फिर ये चित्तौड़ पे पहुंच जाता है बहादुर शाह, और अपने तोपखानों के वजह से, क्योंकि इसके साथ एक तुर्की रहता है जिसका नाम रहता है रूमी खां, और रूमी खां के हेल्प से ये बहुत बड़ा तोपखाना बनवाया रहता है, और उसी तोपखाना और तोप के वजह से ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तहस नहस कर देता है और वहां जीत हासिल कर लेता है। जैसे जीत हासिल करता है वैसे ही आपका हुमायूं चित्तौड़ पे पहुंच जाता है और इन दोनों की सेनाएं आसपास हो जाती हैं चित्तौड़ में। अब ये होने लगता है कि अब इनके बीच में युद्ध होगा, मगर हुमायूं जो है बहुत चालाकी से इसके आने जाने और इसके जितने भी सहयोगी जहां से इसके सपोर्ट मिल सकते थे उनको रास्ता को ब्लॉक करा देता। जैसे चंपानेर जगह था गुजरात से इनकी सहायता होती अहमदाबाद से, और मांडू जो आपका मध्य प्रदेश था यहाँ अफगानी रहते थे, तो यहाँ से इनकी राशन पानी की व्यवस्था जो है चित्तौड़ तक जाती और सैन्य व्यवस्था जाती, तो इन सबको ब्लॉक कर दिया था कि यहाँ से इनका संपर्क ना हो पाए। इस वजह से क्या हुआ कि कुछ दिन तक, काफी 6 महीने तक सैनिक आसपास बेड़ा डाल के रही, और उसके बाद से धीरे धीरे वो उनकी जो जब राशन वोशन मिला नहीं अफगानी सैनिकों को, तो वो धीरे धीरे दम तोड़ते चले गए। और बाद में ये हुआ कि आपका जो बहादुर शाह था धीरे से रात्रि में छिप कर भाग निकला यहाँ से, भाई यहाँ से राजस्थान से भागते हुए चित्तौड़ से वो चंपानेर तक पहुंचा। हुमायूं इसका पीछा करते करते चंपानेर तक पहुंचा, और चंपानेर के बाद जब देखा चंपानेर का किला तो हुमायूं बड़ा खुश हुआ क्योंकि ये किला बहुत मजबूत था और इसे जीतने की कोशिश किया, और तभी चंपानेर पर अपना अधिकार कर लेता है हुमायूं और बहादुर साहब को छोड़ देता है कि भैया अब तो वो हार ही गया था उसे हटाओ। अब यहाँ चंपानेर पर अपना अधिकार कर लेता है, और मतलब पूरा का जब यहाँ अधिकार कर लिया तो गुजरात पे पूरा अधिकार हो जाता है, क्योंकि गुजरात का शासक कौन था, बहादुर शाह ही था, तो वो भाग ही फिर रहा था।
अब गुजरात पे अपने भाई हिंदाल को जो अलवर में था उसे बुलाता है, हिंदाल को नहीं सॉरी अस्करी को बुलाता है, ठीक है, जो यहाँ आपका यूपी में सांभल जगह पे था उसको बुलाता है और यहाँ पे गुजरात का शासक नियुक्त कर देता है। और अपने कहाँ चला जाता है, फिर से आगरा चला जाता है। अब यहाँ पे जब गुजरात का शासन अस्करी को मिलता है तो वो जो है अपनी सेना को सही से नियंत्रण नहीं कर पाता है, मुगल सेना से वहाँ की जो जनता होती है गुजरात की जो है खुश नहीं होती है और आंतरिक विद्रोह पैदा हो जाता है। इसी का फायदा उठा के जब बहादुर शाह देखता है, क्योंकि ये भाग के दक्षिण में चला गया होता है, तो फिर से गुजरात में प्रवेश कर जाता है और अपनी सेना को इकट्ठा करता है अफगानियों को और फिर से गुजरात पर अटैक कर देता है। और अस्करी यहाँ से गुजरात उसे देकर छोड़ छाड़ के यहाँ चंपानेर की किला पे आते हैं और चंपानेर का जो किला होता है वहाँ पे हुमायूं का एक विश्वास पात्र जो है रक्षक इस किला का रक्षा करता रहता है। जब वहाँ पे आते हैं कहते हैं भैया मुझे शरण दो, मुझे बहादुर शाह ने खदेड़ दिया गुजरात से, तो वो कहते हैं कि नहीं, हो सकता है अस्करी का ही कोई जो है उसके साथ बहादुर शाह के साथ मिल गया हो और हुमायूं को हराना चाहता हो, दिल्ली की सत्ता लेना चाहता हो, इसलिए चंपानेर के किला पे उसे जगह नहीं मिलती है, सहायता नहीं ये करता है। तो ये क्या करता है, अपनी सेना लेकर आगरा की तरफ बढ़ जाता है। जब आगरा की तरफ बढ़ जाता है तो ये चंपानेर का जो आपका रक्षक होता है किला का, वो सुल्तान को सूचित कर देता है, मतलब बादशाह को, सुल्तान तो आपके हट ही जाते हैं, हुमायूं को सूचित कर देता है कि साहब ये यहाँ से निकल गए हैं आपके भाई साहब अस्करी, थोड़ा बच के रहिएगा, सेना होना काफ़ी ज़बरदस्त लिए हैं, ठीक। अब हुमायूं घबरा जाता है, अरे भाई मेरा भाई ऐसे कैसे कर सकता है, वो वहाँ से अपना निकलता है और दोनों की रास्ते में भेंट होती है। फिर बाद में पता चलता है कि जो मुद्दा तो कुछ और ही था, बहादुर शाह ने जो जो ये लोगों ने जीता था उसे फिर से अपने कब्जे में कर लिया, फिर से उन्हें माफ करता है कि इसका मकसद ये नहीं था कि दिल्ली पर आक्रमण करना है। तो इस तरह भैया ये होता है कि ये लोग अफरा तफरी में ये भी छोड़ के निकल जाते हैं, वो भी वहां से आ जाते हैं, फिर भी गुजरात इनके हाथ से निकल जाता है। उसी समय जब ये इन सब में जो है लिपटे हुए आते हैं, तभी चुनार के जो आपके राजा होते हैं, सरदार होते हैं शेर खां, ये अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। और उसी समय की बात है, ये आपके जो शेर खां हैं वो बिहार पर अटैक कर देते हैं, ठीक है, बिहार पे और बंगाल पे अपना अटैक कर देते हैं। और बंगाल सूरजगढ़ का युद्ध होता है, ठीक है, 34 में आपका, उस 34 में सूरजगढ़ का युद्ध होता है और यहाँ पे ये जीत जाते हैं बंगाल से। तो फिर से इनकी शक्ति जो है, अफगानी इनसे बहुत खुश हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत शक्तिशाली हैं, इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। फिर ये 36 में फिर बंगाल पे ये युद्ध करते हैं और 36 पे युद्ध करने के बाद ये बंगाल के शासक से कहते हैं कि भैया आप हमें 13 लाख दिनार जो है हर साल मुझे दोगे, ठीक है। और यहाँ से ये सब युद्ध करने के बाद जब ये सब पता चलता है हुमायूं का कि शेर खां भी अब चालू हो गए हैं बहादुर शाह के बाद, तो अब इन्हें भी रोकना पड़ेगा। तो अब जो है क्या करता है कि इनको रोकने के लिए जो है हुमायूं फिर से दिल्ली से आपका बंगाल की तरफ रुत करता है कि, और उस समय शेर खां बहुत चलाक रहता है, अपने पुत्र को जो पहली बार जब संधि हुई थी, जो 32 में चुनार का घिराव हुआ था किले का, उस समय उसके सैनिक के साथ भेज दिया गया था, वो अपने बेटे को बुला लेता है और चुनार किले पर रखवा देता है कि भैया रक्षा तुम इसकी करो, हम जा रहे हैं बंगाल, जब तक पूरा जीत ना जाए बंगाल को तब तक ये जो अगर हुमायूं आते हैं तो चुनार के आसपास ही इन्हें रोकना। और ये निकल गया रहता है बंगाल विजय पर पूरी तरह से। अब जो है 1538 के आसपास फिर से जो है हुमायूं चुनार के किले पर आकर खड़ा हो जाते हैं और उसका घेराव कर लेते हैं। और शेर खां की यही योजना भी थी कि इन्हें जो है कुछ देर तक रोक के रखा जाए ताकि हम बंगाल पूरी तरह जीत लें। अब इसका जो बेटा होता है कुतुबू खां, वो काफ़ी देर तक इन्हें रोकता है और बाद में चल के जो है किसी तरह लास्ट तक 39 तक जो है आप बोल सकते हो कि इस चुनार पे जो है हुमायूं का राज स्थापित हो जाता है, हुमायूं इस पर कब्जा कर लेता है और यहाँ से धीरे धीरे ये अब बंगाल की तरफ बढ़ने लगता है। तब तक ये बंगाल को शेर खां पूरी तरह से जीत लेता है, उसकी गौड़ जो है राजधानी वहाँ पर अटैक कर देता है, वहाँ के लोगों को मार देता है। और जीतने के बाद फिर से ये कहाँ
जब देखता है कि अब मेरा बेटा भी नाकामयाब हुआ, रोक नहीं पाया हुमायूं को, और हुमायूं अब बंगाल की तरफ बढ़ रहा है यहाँ से चुनार से, तो अब वो बंगाल से भागता हुआ बिहार में बक्सर के पास आता है। और उसका मेन मकसद यह था कि जब हुमायूं यहाँ आए तो हम दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे अपने में अफगानों के कब्जे में कर लें। अब वही होता है, जैसे ये हुमायूं यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ भाई तो जीत तो एक तरह से कहो कि यहाँ अफगान यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक, यहाँ पे तो वो पूरे सबको मार ही देते हैं, और यहाँ अफगान यहाँ से निकल जाते हैं, और अफगानी निकलने के बाद ये यहाँ पे आते हैं और फिर से कहते हैं कि बंगाल अब हमारे कब्जे में हो गया। अब भैया बंगाल तुम्हारे कब्जे में थोड़ी हो गया, यहाँ से तो शेर खां तो निकल चुका था दूसरे आक्रमण के लिए, वो तुम्हें मूर्ख बना दिया। अब इस चक्कर में ये कन्नौज और नौज पे पूरी इनकी जो सेना थी चुनार पे, जो ये यहाँ से जीत के आए थे, यहाँ पर भी अफगानी सेना आके मुगलों सेना से लड़ने लगती है, कन्नौज में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी केस में जब ये सब पता चलता है, अरे भैया ये तो हमें धोखा दे दिया शेर खां ने, हमें यहाँ फंसा दिया और अपने जाके वहाँ युद्ध लड़ने लगा। इसी दौरान क्या होता है कि ये यहाँ से चलते हैं और ये कन्नौज के आस पास से आते हैं, और बक्सर के पास आने पर, ठीक है, यहाँ आपका बिहार और यूपी के बॉर्डर बनारस पे ये दोनों लोग मिलते हैं, और यहाँ संधि होती है, ठीक है, जब ये निकलते हैं। संधि में ये कहा जाता है कि भैया आप हमें पैसा दोगे, ठीक है, बिहार आप रख लो, बंगाल को शेर खां के अधीन कर दिया जाए और उसके बदले में पैसा दिया जाए। मगर उसी समय क्या होता है कि बंगाल के एक सरदार जो हुमायूं से जो है सहायता मांग लेते हैं, कहते हैं कि आप हमारी सहायता करो, शेर खां से हमें आज़ाद करो। तो इन्हें लगता है कि बंगाल के ये जो सरदार हैं इनकी हुमायूं के सहायता करेंगे, और इसलिए हुमायूं जो है वो जो संधि उनके बीच में हुई रहती है कि बंगाल से बिहार आप ले लो और बंगाल को मुगल के अधीन में कुछ पैसा देते रहो, उस केस को उस संधि को तोड़ देते हैं हुमायूं और फिर से जो है बंगाल की तरफ रुख कर देते हैं। और भैया तब बंगाल की तरफ रुख करते हैं तो क्या होता है कि जो शेर खां होता है उसको गुस्सा आ जाता है कि अभी अभी हम संधि करके आए और उसके बाद जो हुमायूं फिर से अटैक करने के लिए बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये इसके दिमाग में खटक जाती है और ये भी अपनी सेना लेकर बक्सर की तरफ बढ़ता है। और बक्सर के ही पास एक चौसा जगह है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे सेना दोनों की आमने सामने हो जाती है हुमायूं की। ये बात है आपकी 1539 की, ठीक है, 1539 में चौसा जगह पे नदी गंगा नदी है और यहाँ पे कर्मनाशा एक जो है नदी है, इन दोनों के बीच में मुगल की सेना फंस जाती है। और यहाँ आपका चौसा में कौन शेरशाह सूरी रहता है, 6 महीने तक ये लोग कोई आमने सामने इनकी सेना रहती है, कोई युद्ध नहीं होता है। जैसे ही बारिश होती है और बारिश होने के बाद क्या होता है, पानी का जो लेवल होता है बढ़ जाता है और जो बीच में कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के बीच में इनकी जो सेना थी वहाँ बाढ़ का क्षेत्र रहता है, वहाँ बाढ़ आ जाती है। इसका फायदा उठाकर क्या करता है शेर खां मुगल सेना पर रात्रि में अंधेरे में आक्रमण कर देता है, और जो है इस केस में अफरा तफरी में हुमायूं अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, सेना को संभाल नहीं पाते हैं, और घोड़ा ले 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 ले, ले क्या करते हैं गंगा नदी में कूद जाते हैं। वहीं पर एक भिस्ती जो है इनकी जान बचाता है और इन्हें निकाल कर किसी तरह फिर से आगरा तक ले जाता है, और यहाँ पे ऐसा कहें कि चौसा के युद्ध में 1539 में इनकी हार हो जाती है शेर खां से। अब शेर खां भैया और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमने तो जो है मुगल शासक हुमायूं को हरा दिया, अब इसकी शक्ति बढ़ जाती है, अब कहते अब तुम्हें जो है ना दिल्ली पर भी बैठने नहीं देंगे, रुको तुमने जो संधि करके विश्वासघात किया है, रुको हम तुम्हें सही से बैठने नहीं देंगे, सही से खाने नहीं देंगे। अब भैया ये जो भिस्ती इनको बचाया था उसको एक दिन के लिए जो है आपके हुमायूं सरदार बना देते हैं दिल्ली का। उसके बाद से क्या होता है कि अब ये रुख करता है शेर खां कन्नौज की तरफ, ठीक है, अब ये जैसे धीरे धीरे यहाँ से कन्नौज की तरफ बढ़ता है बक्सर से बिहार से, अब हुमायूं भी अपनी सेना जो है इकट्ठा करते हैं, और क्योंकि अब इन्हें पता रहता है भैया हम हार गए तो अब तो शेर खां मेरे पीछे लगेगा ही लगेगा, तो फिर ये अपनी सेना लेकर 1540 में फिर से कहाँ कन्नौज बिलग्राम में दोनों सेनाएं आसपास फिर से खड़ी होती हैं। तो मुगल का जो सेना का जो बेड़ा था वो काफ़ी नीचे हिस्से में था, और फिर से ही बारिश का ही समय आ जाता है। कुछ देर तक ये लोग इंतज़ार करते हैं, कभी दो चार सैनिक इधर से लड़ते हैं, दो चार सैनिक उधर से लड़ते हैं, और जैसे ही बारिश का समय आता है पानी फिर से भरने लगता है,
इनके खेमा में जो है आपके मुगल जहां सैनिक तैयार थे, तो ये लोग अपनी सेना को लेकर किसी ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। तो उसी अफरा तफरी में फिर से क्या करता है शेर खां अफगानी जो है वो उन पे अटैक कर देता है, और अटैक करते ही भैया 1540 में फिर से जो है हुमायूं क्या करते हैं इनसे शेर खां से हार जाते हैं, और यहीं से जो क्या होता है आपका पूरा का पूरा दिल्ली जो है किसके कब्जे में आ जाता है, शेर खां के कब्जे में आ जाता है। और जब पहला ये युद्ध लड़ा था बक्सर में चौसा का, वहीं से शेर खां अपने आप का जो है नाम परिवर्तन करके शेर शाह सूरी रख लिया था, ठीक है, और शेर शाह सूरी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। और यहाँ पे जब कन्नौज बेलग्राम का युद्ध हुआ तो यहाँ से हुमायूं भैया भाग कर खड़े होते हैं, और भागते भागते ये कहाँ पहुंच जाते हैं, सरहिंद पहुंच जाते हैं, ठीक है, सरहिंद पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद हिंदाल इनका जो भाई रहता है उसके शरण में जाते हैं, और इन्हीं के हिंदाल के एक गुरु रहते हैं, उनकी गुरु के बिटिया से जो है ये विवाह कर लेते हैं, और उन्हीं से जो है क्या अकबर जो है पैदा होते हैं। तो अब ऐसी इनकी स्थिति होती है कि ये भागते फिरते हैं, तो इनको संरक्षण देने के लिए कोई नहीं रहता है। शेर शाह सूरी की ताकत बढ़ने लगती है, तो उस समय एक बार मालवा के जो है राजा जो रहते हैं वो सोचते हैं कि इन्हें संरक्षण दें, मगर शेर शाह सूरी से दबके वो भी जो है हाथ पीछे खींच लेते हैं। फिर आपके अमरकोट के जो राजा होते हैं जिनका नाम था वीरसाल, अमरकोट के राजा वो इन्हें संरक्षण देते हैं और उन्हें कहते हैं भैया आप आओ अपने परिवार सहित, काहे भेग जो है घूम फिर रहे हो इधर उधर। तो अमरकोट के राजा के यहाँ ये पहुँचते हैं अपने परिवार को लेकर, वहीं पर अकबर का जन्म होता है, और सब लालन पोषण जो है अमरकोट के राजा ही करते हैं। और यहाँ पर भी जब जैसे पता चलता है शेर खां को कि अमरकोट पे जो है ये आए हुए हुमायूं, तो फिर से इनके पीछे लग जाता है। अब इनको भैया चैन से बैठने नहीं देता, फिर से कहते हैं भैया हमारे परिवार को सुरक्षित रखना अमरकोट के राजा से, और अपने क्या करते हैं ये भाग जाते हैं यहाँ से, और भागते हुए आपके कहाँ पहुँच जाते हैं, ईरान पहुँच जाते हैं, ठीक है, ईरान पहुँच जाते हैं। अब इन्हें हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिलती है, और यही जो समय काल था कि इनका भारत से निकासी हो जाता है। अब यहाँ पहुँचते हैं ईरान में, ये 1540 के आसपास उसी समय में। अब यहाँ के जो ईरान के राजा रहते हैं शाह रहते हैं तामसाप, ठीक है, ताहमाशाप नाम रहता है इनका, इनसे सहायता मांगते हैं कि भैया अब हमारी सहायता करो, हमारे अपने तो सब धोखा दे दिए, जैसे यहाँ पे कमरान रहता है कंधार और काबुल पर, इससे जब हेल्प मांगते हैं हुमायूं तो ये साफ मना कर देता है, उन्हीं को मारने के लिए दौड़ जाता है हुमायूं को। तो ये भैया यहाँ से रास्ता जैसे सोचते हैं कि हमारा हेल्प करेगा, यहीं से रास्ता अपना बदल के ईरान भाग जाते हैं। और ईरान के जो राजा रहते हैं वो एक शर्त पे कहते हैं कि भैया तुम जो है सिया का जो है धर्म का प्रचार करोगे, और कंधार को और काबुल को जीत के जो तुम्हारे भाइयों के अधीन है उसे मुझे दे दोगे, ईरान में ईरान के शासक को दे दोगे, तो ये राजी हो जाते हैं, ठीक है आप मुझे सेना दो, क्योंकि इनके पास अब सेना तो रहती नहीं हुमायूं के पास। तो अब ये सेना लेते हैं ईरानी सेना, और सेना लेकर सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं आपके कंधार पहुँच जाते हैं, और काबुल पर अटैक कर देते हैं जहाँ कमरान रहता है, उसको जो है मार और के हरा हरा कर इन सभी को किसके ईरान के शासक के हवाले कर देते हैं। ईरान के शासक जो हैं अब कुछ इनकी भी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ समय तक ये सब इनके कब्जे में रहता है, फिर बाद में क्या होता है कि ये हुमायूं के ही कब्जे में आ जाता है। अब भैया हुमायूं के पास सेना हो गई थी, वो भी कौन सी, ईरान वाली और यहाँ कंधार वाली और काबुल वाली, अब वो अपने आप को जो है मजबूत स्थिति में पा गया था। और इसी में आपका जो है इसी दौर में फिर से अब क्या क्या करता है, अब इंडिया की तरफ वो बढ़ता है और अटैक करता है। तो यहीं पे पहला जो युद्ध होता है इसका, क्योंकि जो सूरी वंश था, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली में अब शेर शाह तो रहा नहीं, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मगर उसी के वंशज का एक राजा रहता है यहाँ पे, ठीक है, उससे अब ये भिड़ते हैं। तो जब पता चलता है कि यहाँ पे हुमायूं वापस आ रहा है अटैक करने, तो अपने सैनिकों को भेजता है, तो एक मच्छीवाड़ा जगह है वहां पे 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, और उस युद्ध में हुमायूं विजय होता है, और ऐसे ही आगे बढ़ के फिर पंजाब में वो दाखिल होता है, और सरहिंद की एक लड़ाई होती है 1556 में, बोल सकते हो 55 में ही होती है ये भी लड़ाई, 1555 में ही होती है।
मछुआरा युद्ध के बाद सरहिंद में अटैक होता है, यहाँ पे भी जो है अफगानियों से युद्ध होता है 1555 में। यहाँ पे जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे बैरम खां कर रहे थे हुमायूं का, और वो काफी विश्वास पात्र सैनिक थे इनके, ठीक है एक तरह से बोल सकते हो। और यहाँ पे मुगल की जो है जीत होती है, और सीधे जीतने के बाद ठीक कहाँ दिल्ली पे रिंका फिर से जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं हुमायूं, मतलब 10-15 साल के बाहर रहने के बाद, क्योंकि ये पहले 1530 में बैठे, 1540 जब आपका यहाँ पे कन्नौज का युद्ध हुआ तब से ये भागता फिरे गए, और 40 में आपके कौन आ गए, शेर खां आ गए। तो 40 से लेके 55 तक बोल सकते हो कि कौन था, 1540 से लेके 1555 तक अफगानियों का रूल था। फिर 1555 में ये आ जाते हैं और 56 तक अपना फिर से क्या रखते हैं, मुगल वंश की नींव रखते हैं, और 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 56 में मृत्यु कहाँ हो जाती है, आगरा में, वही जो दीन ए पनाह इन्होंने बनाया था लाइब्रेरी, उसी की सीढ़ियों से गिर जाते हैं अचानक, और सिर पर चोट लग जाती है जिसके कारण इनकी क्या होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, और यहीं से हुमायूं का जो खेल है जो है समाप्त हो जाता है। ठीक, अब इसके बारे में और कुछ इतिहासकारों के जो फैक्ट हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, वो देख लेना। अब जो एग्जैक्ट डेट है, मैंने सन आपको बता दिया जैसे कब कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, किस समय हुआ था, एग्जैक्ट डेट के साथ मैंने नोट्स में दे दिया है, आप डेट देख लेना। वैसे डेट पूछता नहीं है मैंने, क्योंकि डेट में बहुत ऊंचा होता है कि आप कैसे याद कर पाओगे डेट को, ठीक है सन याद कर लो वो मेन होता है, सन ही पूछता है आपसे कि कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, जैसे 29 जून को आपको कौन सा युद्ध हुआ था, ये डेट मैंने सब नोट्स में लिख दिया, 29 जून 1539 में हुआ था, कौन सा आपका चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 29 जून मैंने आपको 39 बताया, 1539 में हुआ, तो सन याद रखना, 29 जून उनका ये डेट आता नहीं है, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछता है। उसके बाद से आपका जो अगला युद्ध हुआ था वो 17 मई 1540 में कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, यहीं से उन्होंने अपनी सत्ता जो है छोड़ दी थी, मैं इसे ड्रैग कर दे रहा हूँ। ठीक, और यहीं पे मैंने बताया ना कि हिंदाल के पास पहुंचता है तो उनके जो गुरु होते हैं उनकी पुत्री से, जिनका नाम क्या होता है, हमीदा बानो बेगम से, 29 अगस्त को 1541 में इनसे शादी करता है। उसके बाद से कहाँ आ जाता है आपका, अमरकोट आ जाता है, वहाँ के राजा जो है उन्हें संरक्षण देते हैं, वहीं जो है अकबर का जो है पैदाइशी होता है। फिर यह आपका 1555 में हुमायूं से दिल्ली पे तक पर फिर से जो है बैठता है सरहिंद की लड़ाई के बाद, और 56 में फिर से संसार से अलविदा ले लेता है। तो डेट से आपसे रिलेटेड कोई नहीं है, जितना मैंने फैक्ट आपको बता दिया कि किस सन में कौन सी लड़ाई हुई वो सब सेम आपको याद रखना। अब इसके बारे में कुछ, जैसे ये मरता है इतिहासकार कुछ बातें कह गए हैं वो देख लो क्या थी। लेनपुल ने कहा हुमायूं के बारे में, टिप्पणी करते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। लड़खड़ाता रहा क्यों, मतलब भैया जब देखो 30 में उसने गद्दी पर बैठा तो 31 पे कलिंजर पे अटैक किया, ठीक है 32 पे चुनार पे अटैक किया, फिर 34 पे किया, फिर आपकी 39, फिर 40, मतलब जिंदगी भर दौड़ता ही रहा। उसके बाद 40 के बाद भी इसे अस्थाई जगह नहीं मिला, ये इधर उधर दौड़ता ही था कि भैया हम कहीं कोई मुझे संरक्षण दे दो, कोई मुझे जगह दे दो रहने के लिए अपने परिवार के साथ। तो किसी तरह अमरकोट के जो राजा होते हैं वो इनको परिवार को संरक्षण देते हैं, और ये फिर निश्चिंत होते हैं कि परिवार तो कम से कम जो सुख सुविधा में हो गया, अब मुझे है तो मैं कहीं भाग जाऊंगा। तो ये किसी तरह भागते हुए ईरान पहुंचते हैं, वहां से सैनिक को निकले के फिर से ये जो है अटैक करते हैं, तो इनको अपनी गद्दी जो है मिलती है। तो इसी बारे में लेनपुल ने इनके बारे में ऐसी टिप्पणी की है। हुमायूं जो था, एक फैक्ट ये भी मिलता है कि ज्योतिष विद्या को काफी मानता था, इसी वजह से वो हर सप्ते पे अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जैसे इतवार को वो पीले रंग का, शनिवार को काले रंग का, और सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनता था। ठीक है, हुमायूं अफीम का काफी शौकीन था, अफीम पीने वाला ये काफी, मतलब मुगल वंश का ये शासक था। हुमायूं ने अबुल फजल को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंसान एक कामिल अबुल फजल को किसने संबोधित किया था, ये फैक्ट है आपसे मैंने इसमें इसीलिए डाल दिया कि अबुल फजल को इंसान एक कामिल
कहकर कौन पुकारता था, तो वो कौन था, हुमायूं था। ठीक है, बैरम खां के बारे में मैंने बता ही दिया कि जब 1555 में सरहिंद की लड़ाई लड़ता है और मछीवाड़ा का युद्ध होता है, दोनों लड़ाइयों में ये काफी जो है अपना योग्यता दिखाते हैं हुमायूं के साथ। ठीक, उसके बाद से आ जाते हैं, लेनपुल ने हुमायूं के बारे में एक बात और कही है कि हुमायूं गिरते चढ़ते ही जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा। जैसे उसने गिरते पड़ते चलता रहा, कहां कहीं उसे सहायता मिलती नहीं थी, तो जैसे अपनी जिंदगी वो गिरते पड़ते निकाला, उसी तरह गिरते पड़ते ही वो अपना स्वर्ग सिधार गया। क्यों कहा, क्योंकि वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था और गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी, इस वजह से लेनपुल ने ये वाक्य कहा है इसके बारे में। तो भैया ये हो गया आपका किसके बारे में, हुमायूं के बारे में पूरी उनकी जीवनी हो गई। ठीक, कि कौन कौन सा इन्होंने युद्ध लड़ा, कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे इनके हाथ से इनका साम्राज्य निकल गया और फिर से उसे वापस पाए, तो इनके बारे में पूरी जीवनी हो गई। अब इसके आगे हम अगला सेशन जो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा वो शेरशाह सूरी का लेके आऊंगा, क्योंकि उस अफगानी जो सूरी वंश है उनका भी रोल रहा कब से कब तक, 1540 से लेकर 1555 तक तो रोल रहा ही उनका। तो इस रोल में कौन कौन से राजा आए, ठीक है, एक तो शेरशाह सूरी था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, काफी ताकतवर था, उसके बाद से जो छोटे छोटे थे उसके बाद कोई ताकतवर राजा नहीं हुआ शेरशाह सूरी के बाद अफगान का, तो उसके छोटे छोटे राज को और उसके जो साम्राज्य उसने बनाया उसमें शासन व्यवस्था उसने कैसे किया सूरी ने, शेरशाह सूरी ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा जो सेशन होगा वो अफगान से रिलेटेड सेशन होगा, शेरशाह सूरी वंश से रिलेटेड सेशन होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।